हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की है हमारी गेम बॉबी फिशर चेस मेमोरियल टूर्नामेंट की है। फ्रेंड्स, इस टूर्नामेंट में जो भारतीय खिलाड़ियों का दल गया है उसमें काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए यहाँ निहाल सरीन भारतीय दल में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज की हमारी गेम चौथे राउंड में खेली गई निहाल सरीन और अदली अहमद के बीच की है। फ्रेंड्स, अदली अहमद इजिप्शियन ग्रैंड मास्टर हैं और इस गेम में उनकी रेटिंग 2643 है और वे इस टूर्नामेंट के टॉप फिफ्थ सीडेड प्लेयर हैं। और वहीं दूसरी तरफ निहाल सरीन इस टूर्नामेंट में 20th नंबर के प्लेयर थे। तो आइए फोर्थ राउंड में हुए इस एक्साइटिंग मुकाबले को देखते हैं। यहां गेम की शुरुआत की निहाल सरीन ने d4 के साथ, d5 c4 और यहां अहमद ने किया a6, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन खेला, Nf3, Nf6, Nc3, Bb7, Bf4, ब्लैक कैसल्स, a3, b6, e3 और यहाँ अहमद ने कुछ अनयूजल मूव चला। उन्होंने यहाँ किया बिशप a6 और यहाँ उनकी प्लानिंग इस सी पॉन पर कुछ प्रेशर बनाने की है। अगर यहाँ निहाल करें c takes d5 तो उसके बाद यहाँ ब्लैक के पास मौका होगा बिशप टेक्स f1 करने का और वाइट को यहाँ ये बिशप आइदर अपने किंग या रूक से लेना होगा। सपोज वो करता है किंग टेक्स f1 तो उसका यहाँ कैसल करने का चांस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ ये बिशप a6 स्क्वायर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो निहाल ने भी इसका डिफेंस काफ़ी क्रिएटिव किया, Nb5 और यहाँ अब इस नाइट और इस बिशप का कॉम्बिनेशन इस c7 पॉन पर प्रेशर बना रहा है और ब्लैक की प्रॉब्लम है ये रुक, क्योंकि नाइट जब इस c7 स्क्वायर पर आ जाएगा तो इस रुक को बचाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो यहाँ ब्लैक ने इस c7 पॉन का डिफेंस किया अपने नाइट से, Nd8 और फिर इसके बाद यहाँ निहाल ने किया c takes d5, Qd5 और फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक के पास मौका है इस सी पॉन को लेने का। क्या यहाँ वो इस पॉन को ले सकता है? आइए एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर यहाँ ब्लैक के सी पॉन को अपने नाइट से लेता है Nd7 तो उसके बाद Nd7, Bd7, Bd1 और फिर दोबारा वाइट के सामने वही प्रॉब्लम कि उसे यहाँ अपने कैसल का चांस गंवाना होगा Rd1। तो इसीलिए यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने किया Nc3, पहले क्वीन पर अटैक बनाया Qb7 और फिर उसके बाद वाइट ने यहाँ इन बिशप्स को ट्रेड किया Bd6। और अब ब्लैक के सामने क्वेश्चन कि वो इस बिशप को आइदर अपने नाइट से ले या फिर अपनी क्वीन से। आइए दोनों पॉसिबिलिटीज को एक एक कर चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ ब्लैक इस बिशप को क्वीन से लेता है, सपोज वो यहाँ करता है Qd6, तो यहाँ वाइट आराम से कैसल नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ ओवरऑल फायदा वाइट को ही होने वाला है। वो यहाँ कर सकता है d5, e takes d5, Nd5 और फिर दोबारा वही c7 स्क्वायर पर प्रेशर और साथ ही इस बिशप पर भी। तो ब्लैक को यहाँ करना पड़ेगा बिशप f6, Nd6 चेक, Nd6, Bd7 और ब्लैक को यहाँ एक पॉन गंवाना होगा। तो यहाँ इस पोजीशन से अहमद ने सारी कैलकुलेशंस को करने के बाद इस बिशप को अपने नाइट से लिया Nd6 और उसके बाद यहाँ वाइट ने मौका मिलते ही सबसे पहले कैसल किया c5, Nb5, Rd8, b4 पॉन को पिन किया, Qa4, Bd6, बिशप एक्सचेंज का ऑफर, लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया Dc5, Bd4 और यहाँ निहाल का एक और क्रिएटिव मूव, उन्होंने यहाँ किया c6, क्वीन पर अटैक बनाया और ये मूव काफ़ी ट्रिकी है। यहाँ निहाल चाहते तो सिंपल इस बिशप को अपनी क्वीन से ले सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ अपने इस सी पॉन को सेक्रीफाइस कर दिया Qd6 और फिर उसके बाद यहाँ वाइट ने इस a6 स्क्वायर पर रखे हुए नाइट को लिया Qd6 और अब यहाँ वाइट थ्रेट दे रहा है इस a7 पॉन पर, लेकिन ये पॉन कॉर्नर का है तो वाइट को यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इस पॉन को लेने के लिए। यहाँ ब्लैक कर सकता है Nc7, वो क्वीन और नाइट पर अटैक बना सकता है, तो वाइट को यहाँ करना होगा Nc7, Bd7 और यहाँ अब ये क्वीन इस a7 पॉन को नहीं ले सकती, अदरवाइज ये रुक a8 स्क्वायर पर आकर इस क्वीन को यहीं ट्रैप कर देगा। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया बिशप d8, a7 पॉन पर डिफेंस बनाया और यहाँ यह ऑब्वियस है कि इस कॉर्नर के पॉन को वाइट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए। अगर वो यहाँ इस गलती को करेगा, सपोज वो यहाँ करता है Nd7 तो उसके बाद Qe8
और वाइट को यहां अपना नाइट गंवाना होगा। तो यहां निहाल सरीन ने किया रुक C1, क्वीन पर अटैक बनाया, क्वीन D5, नाइट D4, नाइट F6, और फिर उसके बाद यहां निहाल सरीन ने अपने नाइट को C6 स्क्वायर पर प्लेस किया, और यहां अब यह नाइट E7 स्क्वायर पर जाकर किंग और क्वीन पर फॉक लगा रहा है। तो उसका डिफेंस यहां ब्लैक ने किया रुक को D7 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन A4, और यहां ये क्वीन इस A4 स्क्वायर पर काफी स्ट्रांग है क्योंकि इसके बाद वाइट अपने इस रुक को D1 स्क्वायर पर लाकर इस क्वीन और आगे इस रुक पर थ्रेट क्रिएट कर सकता है। लेकिन उससे पहले यहां ब्लैक ने किया B5, क्वीन पर अटैक बनाया, क्वीन C2, क्वीन D3, क्वीन एक्शंस का ऑफर, लेकिन ब्लैक ने यहां इसे रिजेक्ट किया, नाइट अटैक गोज टू D4, क्वीन टेक C2, रुक टेक C2, रुक D7, B5 पॉन को डिफेंस किया। वैसे इस पॉन का डिफेंस तो ये A पॉन भी कर सकता था, नाइट A5, रुक B6, नाइट C6, रुक E8, रुक D1, किंग F8, F3, नाइट D5, और यहाँ अब ये नाइट इस E3 पॉन पर टारगेट लगाकर इन दोनों रुक्स पर फॉक लगाने की तैयारी में। तो उसका डिफेंस किंग F2, F5, नाइट टेक्स B8, रुक टेक्स B8, नाइट C6, रुक पर अटैक, और यहाँ ब्लैक को इस अपने रुक को C8 स्क्वायर पर लाकर इस नाइट को पिन करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद वाइट यहाँ अपने दूसरे रुक को C1 स्क्वायर पर ले आता और फिर ब्लैक ही इस गेम में थोड़ा प्रेशर पर रहता। यहाँ ब्लैक ने किया रुक B7, A7 पॉन का भी डिफेंस किया, नाइट D4, नाइट F6, B4, रुक B6, रुक C1, E5, नाइट पर अटैक, और ऐसा करके यहाँ वाइट को मौका मिला ब्लैक का एक पॉन जीतने का, नाइट टेक्स F5। और इस मूव से मुझे नहीं लगता कि ब्लैक को कोई बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। रुक A6, A3 पॉन पर अटैक, तो वाइट ने यहाँ किया E4, रुक टेक्स A3। यहाँ वाइट के पास मौका था अपने रुक को 7th रैंक में ले जाने का, और वो यहाँ इस G7 पॉन पर प्रेशर बना सकता था, और अगर ब्लैक ने इस जी पॉन को आगे पुश किया तो ये नाइट H6 स्क्वायर पर जाकर चेकमेट की थ्रेट दे सकता था। लेकिन यहाँ निहाल ने किया नाइट D6, रुक और इस पॉन पर अटैक बनाया, तो ब्लैक को यहाँ अपने रुक को B8 स्क्वायर पर प्लेस करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ किया रुक D8, इस नाइट पर अटैक बनाया, और इसके बाद यहाँ वाइट को मौका मिला इस B5 पॉन को लेने का, नाइट टेक्स B5, रुक पर अटैक, रुक A4, रुक C8, रुक एक्सचेंज का ऑफर, किंग E7, रुक C7 चेक, और यहाँ ब्लैक आइदर अपने इस रुक को बीच में लेकर आए या फिर इस नाइट को, रिजल्ट सेम ही होने वाला है। यहाँ ब्लैक ने किया था नाइट D7, रुक टेक्स D8, किंग टेक्स D8, रुक टेक्स A7, रुक एक्सचेंज का ऑफर, लेकिन ब्लैक ने यहाँ किया रुक टेक्स B4, नाइट पर अटैक, नाइट C3, और अब यहाँ किंग रुक नाइट वर्सेस किंग रुक नाइट एंड गेम स्टार्ट हो चुकी है। रुक B2 चेक, किंग G3, किंग E7, रुक A2, रुक एक्सचेंज का ऑफर, और अब यहाँ ब्लैक ने इस रुक एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया, रुक टेक्स A2, नाइट टेक्स A2, और अब एंड गेम के लिए किंग और नाइट ही बचे हैं, और वाइट यहाँ एक पॉन अप है और ब्लैक के दो पॉन आइलैंड्स हैं, तो उसे काफ़ी मुश्किल होने वाली है इस एंड गेम में सर्वाइव करने के लिए। नाइट C5, नाइट B4, और यहाँ दोनों को ही जल्दी जल्दी अपने नाइट को बोर्ड के सेंटर में लाना होगा, किंग D6, H4, नाइट E6, नाइट D3, नाइट F8, किंग G4, किंग E6, H5। और फ्रेंड्स मैं यहाँ कहूँगा कि वाइट का किंग ज़्यादा एक्टिव है, वो इस बोर्ड में काफ़ी जल्दी 5th रैंक तक जा पहुँचा है, नाइट D7, किंग G5, और ब्लैक की प्रॉब्लम है कि इस नाइट को उसे कोई खास अच्छा स्क्वायर नहीं मिल रहा। यहाँ वो अपने नाइट को B6 स्क्वायर पर लेकर गया, लेकिन ज़्यादा बेटर था कि वो अपने इस नाइट को सेंटर में ही रखता, उसे अपने नाइट को F6 स्क्वायर पर ले जाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, देखते हैं कि B6 स्क्वायर पर इस नाइट ने क्या किया। H6 पॉन एक्सचेंज का ऑफर, और ब्लैक यहाँ इस पॉन एक्सचेंज को अफोर्ड कर ही नहीं सकता, तो उसने यहाँ अपने इस जी पॉन को आगे पुश कर दिया, G6, F4, फिर दोबारा पॉन एक्सचेंज का ऑफर। और फ्रेंड्स आप हमेशा याद रखें कि एंड गेम में अगर आपके पास पॉन कम है तो आप पॉन ट्रेड को अवॉइड करें, क्योंकि लास्ट में एक पॉन को रोकना काफ़ी मुश्किल होता है, और यहाँ ब्लैक इस पॉन एक्सचेंज को रोकने के लिए
अपने नाइट को ही कहीं मूव कर सकता है, आइदर वो इस नाइट को c4 स्क्वायर पर ले जाए या फिर d7 स्क्वायर पर। यहाँ ब्लैक ने किया नाइट c4, एफ टेक c5, और यहाँ ब्लैक ने इस पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट नहीं किया। अगर वो यहाँ इस पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट करने की गलती कर देगा तो वाइट का किंग को ज़रा भी देर नहीं लगेगी f6 स्क्वायर पर आकर इन दोनों पॉन्स को लेने में। तो यहाँ ब्लैक ने किया किंग f7। फ्रेंड्स, यहाँ वाइट के लिए चेस इंजन रिकमेंडेशन है कि उसे यहाँ ये e5 पॉन सेक्रीफाइस कर देना चाहिए था चेक देकर, e6 चेक। तो ब्लैक को यहाँ करना पड़ता किंग टेक्स e6, नाइट f4 चेक, किंग f7, और फिर उसके बाद नाइट d5, और यहाँ अब यह नाइट f6 स्क्वायर पर जाकर इस h7 पॉन को आराम से ले सकता है, और फिर उसके बाद ये बाकी की सारी बची हुई गेम वाइट की होती। लेकिन यहाँ निहाल ने किया किंग f4, किंग e7, नाइट f2, और फ्रेंड्स मैं यहाँ कहूँगा कि ब्लैक लगभग आउट ऑफ मूव्स होता जा रहा है। उसने यहाँ अपने इस जी पॉन को सेक्रीफाइस कर दिया, g5 चेक, किंग टेक्स g5, नाइट टेक्स e5, नाइट g4, नाइट एक्सचेंज का ऑफर। लेकिन ब्लैक ने यहाँ किया नाइट f7 चेक, किंग f4, किंग e6, e5, नाइट h8, नाइट f6, h7 पॉन पर अटैक। तो ब्लैक ने यहाँ किया नाइट g6 चेक, किंग और पॉन पर फॉक लगाई, किंग g5, नाइट टेक्स e5, नाइट टेक्स h7, किंग f7, और अब ब्लैक यहाँ इन दो पॉन्स को क्वीन बनने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। किंग f5, नाइट c4, नाइट g5 चेक, किंग g8, किंग f6, और फ्रेंड्स यहाँ वाइट कोशिश कर सकता था इस गेम को ड्रॉ कराने की, लेकिन कोई भी पॉसिबिलिटी इस गेम को ड्रॉ की तरफ नहीं ले जाती। वो अपने किंग को h8 स्क्वायर पर ले जाने का चांस ले सकता था, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स इस वेरिएशन को अपनी प्रैक्टिस के लिए हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ती तो वाइट यहाँ करेगा h6, ब्लैक के किंग को यही ब्लॉक कर देगा, और अब ब्लैक को मूव करने के लिए सिर्फ ये नाइट बचा है। और ब्लैक यहाँ कर सकता है नाइट e5, किंग टेक c5, किंग g7, g4, किंग h8, और फिर इसके बाद यहाँ वाइट को ये एच पॉन अपना सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, अदरवाइज अगर वाइट से कोई गलती हुई तो ये गेम स्टिलमेट हो जाएगी। उसे यहाँ करना चाहिए नाइट e6, किंग टेक्स h7, किंग f5, किंग g8, किंग f6, किंग h8, g5, किंग g8, g6, किंग h8, g7 चेक, किंग g8, किंग e7, किंग h7, किंग f7, किंग h6, g8 इक्वल्स क्वीन, किंग h5, क्वीन g5 चेक एंड मेट। फ्रेंड्स मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि चेस के अंदर सबसे मुश्किल काम होता है एक विन गेम को विन करना, क्योंकि मैंने अक्सर अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को देखा है कि ओवर एक्साइटमेंट में वे अपनी गेम को स्टेलमेट करवा लेते हैं। लेकिन निहाल सरीन ने ऐसा कोई मौका नहीं दिया। यहाँ ब्लैक ने किया नाइट e3, और निहाल का यहाँ फाइनल मूव h7 चेक, और यहाँ इसके बाद अहमद ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ से अब अगर गेम आगे बढ़ेगी तो ब्लैक को यहाँ अपने किंग को h8 स्क्वायर पर ही ले जाना होगा। लेकिन उसके बाद किंग g6, और अब ब्लैक का ये नाइट किसी भी स्क्वायर पर जाए वाइट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो यहाँ कर सकता है नाइट टेक्स g2, लेकिन उसके बाद नाइट f7 चेक एंड मेट। और फ्रेंड्स जब तक कि मैंने वीडियो बनाई थी तब तक इस टूर्नामेंट के 5 राउंड्स हो चुके थे, और उन 5 राउंड्स के बाद निहाल सरीन 3.5 पॉइंट्स के साथ इस टूर्नामेंट में 6ठे नंबर पर हैं, और अभी भी इस टूर्नामेंट में 4 गेम्स होनी और बाकी हैं। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस YouTube चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर।